हेलो जी, राम राम। तो भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ बढ़िया होगे। मैं रितु, आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गले और बाजू पर किस तरह तपाई पिन निकाली जाया करे। तो यो इस कलर का तो कमीज है ये, और इस पर रेड कलर की पाइपिन निकालूंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रही हो वीडियो में। तो यो है कमीज का अगला हिस्सा। तो मैं इस पर पहले गला काट लूँगी, 7 इंच का, 7 इंच का बनाया करूँ मैं मेरा गला। तो 7 इंच तय यूँ, और 2.25 इधर की तरफ तय। कपड़े तय लगाना सिखाऊंगी, बुकरम नहीं लगाऊंगी। तो 7 इंच का गला कट करूँगी। गला काट लिया है, और यो एक कपड़ा है, इसकी 8 इंच लंबाई है और 7 इंच चौड़ाई है। तो इस पर मैं गला बनाऊंगी। तो फिलहाल ही बनाना शुरू करें गला। तो जो कपड़ा है इसकी तो सीधी साइड है, और जो कमीज है इस ये उल्टी साइड, इस पर रख कर और गले की शेप में सिलाई लगा दूंगी। ये देखो, इस तरह तक, इस तरह तक ये मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर। एक पैर का मार्जिन रख के ना, और इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। देखो सिलाई लगा दी। इब इसने जो ये अंदर का कपड़ा है रेड कलर का, इसने मैं काट दूंगी, और इस शेप में जो गले की शेप है इसमें यो बाहर का कपड़ा काट दूंगी गोल शेप में। तो ये तो काट लिया बाहर का कपड़ा, और अंदर का और काटती हूँ। छोटे छोटे कट लगा दूंगी पूरे गले पे, ताकि आराम से मुड़ जावे इस तरह से। कट करने के बाद ये कपड़ा अंदर की तरफ कर लूंगी, ये वाला जो सिलाई लगाई थी यूं करके, और थोड़ी थोड़ी सी पाइपिंग निकाल कर इस तरह से, ये देखो, और सिलाई लगा दूंगी पूरे गले पर बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखो एक सिलाई में और पाइपिंग कितने अच्छे तरीके से निकल गई है। सिर्फ एक सिलाई लगा दी थी इस तरीके से। ईव जो ये कपड़ा बच गया ना, इसने यूं फोल्ड करके ना एक मोटी सिलाई लगा देंगे, यूं फोल्ड करके फिर तुरपाई कर देंगे इसके बाद में। आप इसमें इस तरीके से फोल्ड कर दो, फिर तुरपाई करते टाइम अपने आप हो जाएगी, मोटी सिलाई लगा दो थोड़ा थोड़ा ही। तो लगा दी है इसका मोटी सिलाई, बस ये तुरपाई करना बाकी रह गया। गला बनकर हो गया है तैयार। ये देखो, दिखाऊंगी मैं एक बार अपना अच्छे तरीके से बनने के बाद। गला बनकर हो गया है तैयार, और ये मैं बाजू पर पाइपिंग लगाना और बताऊंगी आपने किस तरह से पाइपिंग निकाला करें। ये 1.5 इंच की 2 पट्टी काट ली है, और ये बाजू कट कर रखी है, और बाजू के सुलटी साइड, बाजू की जो सीधी साइड है उस पर रख कर, सीधी साइड इस पट्टी की रख कर, और सीधी बाजू की साइड होनी चाहिए, और उसके बाद फिर सिलाई लगा देंगे। एक एक पैर का मार्जिन रख कर वो ही। लगा दूं हूं मैं सिलाई एक बार, एक पैर का मार्जिन रख कर सिलाई लगा दी है। ईबीए इस साइड रख कर ना इसने, और यूं करके,
और यो, चाहे इसको अंदर की साइड कर ले कपड़े ना, जो कपड़ा है इसने अंदर की साइड कर कर और यो सिलाई लगा देंगे। इतनी तनी सी पाइपिंग निकाल कर तो अंदर की साइड कर दिया हमने, इनमें सिलाई लगा दूँ दोनों पे, फिर पाइपिंग निकल जाएंगी इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी सी जितनी गले पर निकाली थी उतनी ही बाजू पर, ये देखो इस तरह से कितनी अच्छी लग रही, बिल्कुल बारीक बारीक दोनों पर लगा दी हूँ सिलाई, थोड़ी थोड़ी सी पाइपिंग निकाल कर। ये निकाल दी है पाइपिंग, और अभी इसने जो अंदर कपड़ा है ना रेड कलर का, इसने यूं करके और मोटी सिलाई लगा देंगे, उसके बाद फिर तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से बाजू हो जाएंगी तैयार, बाजू का जो पाइपिंग निकालन का है ना, कि मैं मोटी सिलाई लगा दूँ इस पे दोनों पे। तो ये देख लो निकाल दी है पाइपिंग एकदम परफेक्ट तरीके से, देख लो दोनों बाजू तैयार हो गई हैं और गला भी हो गया है तैयार। ये देख लो गला भी तैयार हो गया है एकदम, मतलब कपड़े तय, ना कोई बुकरम लगाया ना और कुछ, ये गला तैयार हो गया है। तो भाई देख लिया आपने मैंने किस तरह से पाइपिंग निकाली है, नहीं बुकरम यूज करा, सिर्फ कपड़े तर बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है, मतलब तैयार हुई है जो गला है और वो बाजू है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो भाई आज मैंने जो भी आप तक पाइपिंग निकालने का जो तरीका बताया है, जिस तरह तक निकाली है आपके साथ शेयर करी है, उम्मीद करूँ पसंद आया होगा। और भाई इस तरह तक अगर आप सिलाई से रिलेटेड कोई भी मतलब चाहो कि मारते न्यू बना कर दिखा या यू सिखा, तो कमेंट करके बता दिया करो। भाई कुछ मेरी वेबेयर हैं, भाण हैं, मतलब देवरानी है एक, वो कह कर के भाई तू सिलाई की वीडियो डाल लिया करो, उससे हमने कुछ फ़ायदा होगा, हम देखें तो हम भी करें। तो इस वजह से मैं अपना सिलाई की वीडियो भी डालने लगी हूँ। तो भाई आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। तो राम राम जी।